विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्नम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण येन सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरुना येन सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरुना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण मनो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री भाव भावेश्वर भगवान की नम पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराज श्री के सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात परमादरणीय श्री डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य सेवानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवान से भगवान की कथा से, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। उपनिषद, महाभारत, पुराण, रामायण किसी न किसी रूप में यह प्रतिपादन करते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। यहां तक कि माया को भी छाया ही माना गया। छाया के क्या सत्ता होती है, किंतु एकमात्र परमात्मा होने के बाद भी हमारी दृष्टि में दुश्मन मित्र नजर आ रहे हैं, अच्छे बुरे नजर आ रहे हैं। कोई किसी से प्रेम होता है, किसी से घृणा होती है, किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से बात करना भी नहीं चाहते। ये विषमता क्यों है? जो है वो दिखता नहीं है,
और जो नहीं है वो दिख रहा है तो ये माया का ही खेल। किंतु शास्त्रों में वर्णन है, इसमें अपने अंतःकरण का भी दोष है। इन दोषों को तीन नाम दिए गए, मल, विक्षेप और आवरण। मल के कारण परमात्मा दर्शन नहीं हो रहा है, विक्षेप के कारण परमात्मा दर्शन नहीं हो रहा है, आवरण के कारण परमात्मा दर्शन नहीं हो रहा है। ये मल क्या है? पूर्व जन्म में या इस जन्म में शास्त्र विरुद्ध जो आचरण हुए हैं, वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था के विरुद्ध जो आचरण हुए हैं, जिनको दूसरी भाषा में पाप कहते हैं, उन पापों के कारण हमारा अंतःकरण मलिन हो गया है। जब तक यह अंतःकरण की मलिनता नहीं मिटती है, तब तक हाजिर हुजूर परमात्मा हमें लक्षित नहीं होता है। अब इस मलिनता को मिटाने का साधन क्या है? अब भाई, जिससे ये मलिनता हुई है, मलिनता का कारण शास्त्र विरुद्ध कर्म, कर्म ही मलिनता का कारण बने हैं। तो अब करना क्या है कि करना तो है कर्म, किंतु उस कर्म में निष्कामता चाहिए। यदि काम में अपने कर्म में निष्कामता नहीं होगी तो कितनी भी सावधानी से कर्म किया जाए, कहीं ना कहीं दोष हो ही जाएगा। और यदि निष्कामता नहीं होगी तो कामना की पूर्ति में ही कर्म का प्रयोग होगा, और कामनाओं का कोई अंत भी नहीं है, तो परमात्मा दर्शन से हम दूर बने रहेंगे। तो निष्काम कर्म यदि किया जाए तो अंतःकरण की मलिनता मिटती है, मल दोष निवृत्त होता है। अब दूसरा साथ गड़बड़ी है कि चित्त बहुत चंचल है। जब तक यह चित्त की चंचलता नहीं मिटेगी, तब तक उसका दीदार नहीं होगा, उसका दर्शन नहीं होगा। तो चित्त की चंचलता को मिटाने के लिए भक्ति है। जब भगवान से प्रेम होगा तो चित्त की चंचलता मिटेगी, और जब चित्त की चंचलता मिटेगी, जो परमात्मा हाजिर हुजूर है, उसका दर्शन हो जाएगा। इसमें से एक हेतु और बचा, चित्त भी शांत हैं, निष्काम कर्म से अंतःकरण भी पवित्र हो चुका है, मल दोष निवृत्त हो चुका है, किंतु अज्ञान का पर्दा पड़ा है। तो इस अज्ञान के पर्दे को निवृत्त करने के लिए गुरुदेव महावाक्य का प्रयोग करके ज्ञान के द्वारा उस आवरण को भंग करके जो हाजिर हुजूर परमात्मा है, उसका दीदार करा दें। पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज इस विषय में बड़ी ये दृष्टि देते थे, उनकी कृपा से, उनकी अनुग्रह से ये दर्शन बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं उलझन नहीं है, कहीं समझने में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत देते थे इस विषय में। दृष्टांत ये देते थे कि मानो तुम अपना घर बंद करके, स्थान बंद करके कहीं यात्रा में चले गए, तीर्थ यात्रा में चले गए। अब तीर्थ यात्रा से जब लौट करके आए
तो जिसमें आप अपना मुख देखते थे आईने में, दर्पण में, उसमें धूल जम गई। अब जब तक उस धूल को नहीं निवृत्त किया जाएगा, तब तक आप सामने खड़े हैं, तब भी आपको आपका स्वरूप दिखने वाला नहीं है। तो कहते थे ये धूल है, ये मल है, इसकी निवृत्ति होनी चाहिए। और मानो दर्पण भी सामने है किंतु कहीं चंचल स्थान पर रखा है, जो स्थान हिल रहा है, तो हिलते हुए स्थान पर भी आपको आपका रूप कैसे दिखेगा? उसको एक जगह स्थाई करना पड़ेगा। तो ये जो चित्त है ना दर्पण, ये चंचल है, कामनाओं के कारण भी चंचल है, और जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त हुआ नहीं है, इसलिए भी चंचल है। तो भगवत प्रेम से ही इसमें निश्चलता आएगी, और दूसरा साधन नहीं है कि ये चित्त शांत हो। अब तीसरा है कि उसमें कोई पर्दा पड़ा है, और यदि पर्दा पड़ा है तो जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, तब तक सन्मुख शीशा होने के बाद भी आप अपना मुख देख पाओगे नहीं। इसलिए वेद त्रिकांडात्मक हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अगर चित्त में मलिनता न होती तो कर्मकांड की जरूरत नहीं थी, और चित्त में यदि चंचलता न होती तो भक्ति की भी जरूरत नहीं थी, और यदि सामने आवरण पर्दा न होता तो ज्ञान की जरूरत भी नहीं थी। हम ज्ञान स्वरूप ही हैं, हमको कोई बताने की जरूरत नहीं थी कि हम कौन हैं, दुखी क्यों हैं, ये सब अध्यारोप करने की जरूरत ही नहीं थी। तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में 19वें अध्याय में एक बड़ा दिव्य सूत्र दिया, जिसकी चर्चा भी विगत दिवसों से चल रही है, कि गुण दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है, और उभय से दृष्टि हटाकर आत्मदर्शन ही सबसे बड़ा गुण है। अब ये गुण दोषों का वर्णन तो शास्त्रों में भगवान ने ही किया है, और यदि देखा जाए तो कर्मकांड का जितना बड़ा विस्तार है, क्योंकि 80,000 मंत्रों में से अपने 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र तो ये विधि निषेध के ही है, ये किया जाए ये न किया जाए, और केवल 16,000 मंत्र उपासना कांड के, ज्ञान कांड के तो केवल 4,000 हैं, बहुत कम मंत्र हैं। तो अभिप्राय क्या है कि आवश्यकता ये विधि निषेध की बहुत है, क्योंकि जिसके अधिकारी ज़्यादा हैं उसके लिए ज़्यादा खुराक है, जिसके अधिकारी कम है उनके लिए कम खुराक, छोटे में बात बन जाएंगी। तो ये भगवान ने ही वर्णित किया है गुण दोष की चर्चा। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं ये दोनों की चर्चा निगम में आपके द्वारा सुनने को मिलती है। निगमे नापवादश्च भिदाया इति ह भ्रम, ये निगम में ही विधि और अपवाद दोनों का वर्णन, ये करो ये न करो, ये सुन करके जान करके बड़ा भ्रम उत्पन्न होता है कि क्या करें क्या न करें। तो भगवान ने कहते हैं इसमें भ्रम की जरूरत नहीं है, ये तीनों कांड हमारे द्वारा बनाए गए हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्त नृणाम श्रेयो विविस्या ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। नृणाम श्रेयो विविस्या मया त्रयो योग प्रोक्ता, जो श्रेय के प्राप्त करने के इच्छुक हैं, आपको क्या कहें। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रश्न ही पहला ये है, संपूर्ण भागवत में शौनकादि महात्माओं के द्वारा जो 6 प्रश्न पूछे गए भागवत के प्रथम अध्याय में ही, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, तो पहले श्रेय के विषय में पूछा गया है, किम श्रेय,
फिर शास्त्रों का सार क्या है, अवतार का प्रयोजन क्या है, अवतार कितने हैं, अवतार लेकर भगवान लीला क्या क्या करते हैं, और अवतार जब काल समाप्त हो जाता है तो भगवान अपनी लीला का स्मरण करके सुधाम गमन कर जाते हैं, तो धर्म कम शरणम गतः, फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। इन छह प्रश्नों का उत्तर ही संपूर्ण भागवत में है, क्रम से नहीं कि केवल पहले अध्याय में ये, दूसरे अध्याय में, ऐसा नहीं, जगह जगह पर ये विषय मिलता है। तो मुख्य जो प्रश्न है वो श्रेय का ही है, प्रेय का नहीं है। हमारा कल्याण किस में होगा? और मैं तो कई बार विचार करता हूँ, प्रेय के विषय में पूछने किसी जरूरत पड़ती, हमें क्या प्रिय है ये तो हमें जानकारी में, हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब प्रिय हैं, बहिर्मुख इंद्रियां होने के कारण इधर हमारी गति है, किंतु ये हमारा प्रेय है, श्रेय नहीं है। इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, इससे हमारा जीवन रसमय बनने वाला नहीं है, मनुष्य जीवन की प्राप्ति का प्राप्तव्य भी इससे प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन का जो प्राप्त, मनुष्य जीवन की जो प्राप्ति जिसलिए हुई है उसका प्राप्तव्य क्या है? प्राप्तव्य तो कुछ होना चाहिए, तो उसका जो प्राप्तव्य है उसकी प्राप्ति बिना श्रेय के मिल सकती नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि नृणाम श्रेयो विविस्सया, जो मनुष्य लोग महाराज, जो मनुष्यों के कल्याण का साधन है, यहाँ वैसे तो योग शब्द का प्रयोग, क्योंकि अलग अलग जो योगा उपाय ब्रह्म कर्म देवता कांडे ही प्रोक्ता है, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं यहाँ योग का अर्थ है उपाय। जैसे भगवान ने कहा कि योग तीन है, कौन कौन? बोले ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो योग माने उपाय, जिस उपाय से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। जो परमात्मा हाजिर हुजूर है, जिसकी दूसरी सत्ता नहीं है, केवल है मात्र, चिन्ह मात्र है, सतमात्र है, आनंद मात्र है, उसकी प्राप्ति में जो ये उपाय है ना, ये उपाय तीन है। कौन कौन? ये इसी का नाम योग है। योग शब्द यहाँ उपाय शब्द के लिए ही प्रयोग किया गया है। उपाय का अभिप्राय ये है जिसके माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, योगा उपायः, जिससे मार्ग प्राप्त कर सकते हैं ये। और श्रीधर स्वामी पाद ने तो स्पष्ट एक बात कह दी कि जो यहाँ कर्म की चर्चा की जा रही है वो सकाम कर्म की नहीं, निष्काम कर्म की। क्योंकि जैसे कर्म आएगा तो तुरंत समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो श्रेयो विविस्सया, श्रेय की प्राप्ति के लिए, और योग उसी के उपाय हैं। तो यदि योग कर्म को सकाम कर्म में लिया जाएगा तो उपाय उसका बनने वाला नहीं है, वो तो स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय बन जाएगा, यहाँ संसार की वस्तु की प्राप्ति का उपाय बन जाएगा, फिर वो विधि जो श्रेय प्राप्ति का उपाय नहीं बनेगा। इसलिए जो कर्म शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है वह निश्चित रूप से निष्काम कर्म, और भक्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया, महर्षि ने तो एकदम स्पष्टम स्पष्टम उसको खोला है, जो कि सीधा स्वामी पाद के ही अर्थ को महर्षि एकदम खोल देते हैं। भक्ति माने विषयाशक्ति नहीं है, भक्ति का अभिप्राय विषयाशक्ति नहीं है, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध। वो वृंदावन में तो कहने लायक नहीं है, क्योंकि कई बार शास्त्र से प्रेम न होने के कारण कोई शास्त्र की चर्चा कर दी जाए तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। एक बार मैं वृंदावन में भागवत की कथा कर रहा था तो भक्ति की व्याख्या करते करते मैंने कहा कि जब तक भक्ति में संसार से विरक्ति और भगवत प्रबोध नहीं होगा तब तक भक्ति रोएगी, भक्ति प्रसन्न हो सकती नहीं है। तो एक महात्मा खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, बाबा तेरो नारद
या वृंदावन में भक्ति को नाए जगाए सको, तू कहाँ जगाएगो? और तू ज़्यादा गड़बड़ करेगो तो तेरी टिकट हरिद्वार की काट दूंगो, तू यहाँ रहने को अधिकारी ना है, तेरी टिकट काट दूंगो। परिक्रमा मार्ग में कथा चल रही थी हमारी, हम बड़े हंसे। सच्चाई है कि क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। वृंदावन में भक्ति है, किंतु भक्ति कौन सी भक्ति है? जिन महापुरुषों का हम लोग भक्तमाल में, कुछ हमारे शिवानी महाराज तो बड़े रसीले ढंग से सुनाते हैं, ठाकुर जी को भोग तो लगाते थे हमारे श्री हरिदास जी महाराज, 56 भोग का भोग लगाए, किंतु भोग लगाने के बाद वो खिलाते किसको थे? वो अपनी तृप्ति नहीं करते थे, बंदरों को खिलाते थे, मछलियों को खिलाते थे। भक्तमाल में इसका वर्णन है, लोगों को खिलाते थे। आज हम ठाकुर जी के नाम पर लगाना चाहते हैं, दिखाते हैं ठाकुर जी को इत्र लगा रहे हैं, किंतु वो क्या इत्र ठाकुर जी के लिए होता है कि अपनी नासिका की संतुष्टि के लिए होता है? जो भोग बनाए जाते हैं, जो तैयार किया जाता है, ठाकुर जी भक्ति है, प्रीति है, किंतु कहीं ना कहीं विषयाशक्ति हो जाती है। भक्ति में बहुत आवश्यक है सावधानी, भगवत प्रीति के नाम पर कहीं आत्मरति न हो जाए। आत्मप्रीति आत्मोरति नहीं, वो तो अच्छी बात है, ये विषयरति हो जाए, शरीर को सुख सुविधा देने की आदत पड़ जाए। तो मूल बात यह है, इसलिए इसमें स्पष्टम कह दिया गया कि भक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ भक्ति का अर्थ निश्चित रूप से संसार से विरक्ति करके केवल भगवत प्रेम ही है। इसलिए यहाँ स्पष्टम वर्णन कर दिया गया, कर्मच निष्कामम, क्योंकि श्रेयो विविषया मोक्ष साधने क्षया। विविषया मन मोक्ष साधने क्षया, मोक्ष प्राण पाने के जो साधन, उसके अन्य उपायो नास्ति, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, परमात्म दर्शन प्राप्त करना है, भगवत दर्शन प्राप्त करना है, ब्रह्मात्मिक बोध प्राप्त करना है, तो ये तीन ही हैं, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। बाद में भगवान ने अधिकार भेद का निरूपण किया है, अधिकार भेद, क्योंकि कौन किसका अधिकारी है? कर्म का अधिकारी कौन, कर्मकांड का, भक्ति का अधिकारी कौन, और ज्ञान कांड का अधिकारी कौन? क्योंकि अधिकार के आधार पर ही निश्चित रूप से औषधि होती है, दवा होती है, साधन होता है। अब कौन कैसा अधिकारी, बिना अधिकार विचार किए हुए साधन की चर्चा नहीं की जा सकती है, तो अधिकार विचार तो करना पड़ेगा। इसलिए ग्रंथों में भी पहले अधिकार की चर्चा होती है, ये इस ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं। अब जैसे मानो कोई अमुक प्रकार का यज्ञ है, यज्ञ की बड़ी महिमा है, किंतु उस यज्ञ करने का अधिकार हमारा है कि नहीं है। जैसे आजकल गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है, किंतु गायत्री मंत्र जपने का हमारा अधिकार है कि नहीं है? आजकल कोई बिन अधिकार की चर्चा करना नहीं चाहता, कहते बस जो चीज़ अच्छी है, चारों वेदों में गायत्री की महिमा वर्णन की गई है, हमारी योग्यता है या नहीं है, हमको तो गायत्री जपना है, और सोचते सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, किंतु हमको तो गाना ही है। अरे भाई, श्रेष्ठता का आधार हमारे अधिकार के आधार पर है। अब हमारा अधिकार है कि नहीं? अब ज्ञान निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, संपूर्ण शास्त्रों का सिरमौर है जी ज्ञान। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर कथा में ज्ञान की चर्चा न हो तो कथा बांझ है। जैसे स्त्री बांझ हो तो कोई सम्मान नहीं है, वैसे सत्संग हो और उसमें ज्ञान की चर्चा न हो तो बांझ है जी, वो सत्संग बांझ है। तो हमारे जीवन में अब इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, किसके लिए ज्ञान की चर्चा की गई है? बोले निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो, न्यासी नाम यह कर्म सु निर्विण्णा नाम। निर्विण्णा नाम का अभिप्राय यह है, निश्चय अधिकार भेदमाह, सीधा स्वामी पादात करते हैं, इसमें अधिकार भेद की चर्चा कर रही की जा रही है। निर्विण्णा नाम दुख बुद्धया तत्फलेशु विरक्ता नाम
देखो जो निर्विण है, आज हमको वैराग्य की जो बात समझ में आई बहुत दिनों के बाद, इस विषय का चिंतन कर रहा था, वैराग्य नाम किसका है, वैराग्य का स्वरूप क्या है। अधिकतर वैसे तो मरकट वैराग्य भी वैराग्य कहा जाता है, मरघट वैराग्य भी वैराग्य कहा जाता है, किंतु जो मरकट वैराग्य है और मरघट वैराग्य है, ये ध्यान देने लायक बात है, ये है कि मोक्ष में अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं है। थोड़ी देर के लिए होगा वैराग्य, और थोड़ी देर के वैराग्य के बाद फिर वही दशा। हमने तो यहाँ आनंद वृंदावन में ही बहुत, जब भागवत पढ़ते थे तो मोती झील के उस कोने में एक छोटा टूटा हुआ मकान था, कारपेंटर लोग उसमें काम करते थे लकड़ी का, तो ठंडी के समय कई बार मैं उसमें छड़ करके धूप में बैठ करके स्वाध्याय करता था भागवत का। तो वहाँ से एक बिजली का तार गया था, बिजली का तार गया था और वहाँ जोड़ में कुछ खुला था वो, तो ये कारपेंटर एक श्याम श्याम करके था कारपेंटर, तो वो श्याम ने क्या किया महाराज जी, जब दोपहर में वो प्रसाद पाने के लिए घर से रोटी लेके आया था, तो रोटी प्लास से दबा लेकर के उस तार में लगा दी। जैसे रोटी तार में लगी तो बंदरों ने देखा कि तार में रोटी है। अब रोटी में जलांश होता है और जलांश होने के कारण उसमें विद्युत संचार हो जाती है, तो एक बंदर आया और उसने सोचा कि रोटी हम ले ले, तो जैसे रोटी में हाथ लगाया तो हाथ लगाते करंट लगा तो भागा, किंतु भागने के बाद थोड़ी देर बैठा रहा, उसके बाद फिर प्रयास किया। मैं उसको घंटों तक देखता रहा, थोड़ी देर को असर रहता था, उसके बाद फिर वो उसी प्रयोग में लग जाता था। तो हमको लगा उसने सोच कर कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, जहाँ से कष्ट होता है, मानो संसार में संबंधों से कष्ट हुआ तो कहते तो बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, संबंध किसी से बनाने लायक नहीं है, किसी से मतलब रखने लायक नहीं है, किससे जुड़ने लायक नहीं है, और थोड़ी देर के बाद जैसे भूल गए तो फिर किसी से जुड़ गए, इसको छोड़कर पात्र बदल जाते हैं, कहते यहाँ नहीं वहाँ। अरे भाई, संबंध दुनिया का कोई भी किसी से भी क्यों ना हो, वो तो बंधन का हेतु है, किंतु समझते ये तो इस संबंध में तो हमको कष्ट मिला है, दूसरे संबंध में कष्ट नहीं मिलेगा, तो फिर उसी में लगे रहते हैं। तो ये जो टिकाऊ वैराग्य नहीं है, ऐसे जो मरघट में जाते हैं जब लोग लेकर के, तो सब वैराग्यशाली होते, देखो सबको यहीं आना है और यहीं रहना है। तो हमको कई बार भांजी महाराज कहा करते थे, कहते थे अरे हमको यहाँ से ले थोड़ी जाना है कुछ, हम कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमको तो वहीं की रेत भी मिलेगी, वो सेवानंद जी महाराज रेत भर लाएंगे और कहते उसी रेत में बांध के डाल देंगे, हमको तो जगह भी नहीं मिलने वाली। और बाद में जैसे देखते थे तो तुरंत कर्म वही उसी प्रकार का हो जाता था। तो कहने का अभिप्राय ये है, ये वैराग्य काम का नहीं है। वैराग्य कौन सा काम का है, जो श्री स्वामी पाद ने अर्थ किया कि कर्म में और कर्म के फल में दुख बुद्धि हो, दोनों में। यहाँ जो किया है श्री स्वामी पाद अर्थ ने, अर्थ बहुत अच्छा खोला उन्होंने कि निर्विण्णा नाम, जो निर्विण्ण है किसका अर्थ क्या है, बोले निर्विण्ण का अर्थ है निर्विण्णा नाम दुख बुद्धया तत्फलेशु विरक्ता नाम। कर्म में भी दुख बुद्धि हो और उसके फल में भी वैराग्य हो। कई बार व्यक्ति को कर्म करने में तो बड़ा मजा आता है और कर्म करने, क्योंकि उसमें दुख बुद्धि है ही नहीं, उसमें सुख बुद्धि है। और निश्चित रूप से कोई भी कर्म किया जाए, आज मैं सोच रहा था जो भी कर्म करके जो कर्म से फल मिलेगा वो क्या टिकाऊ होगा क्या। कोई भी पुरुषार्थ करके एक आश्रम बना दिया जाए, पुरुषार्थ करके एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया जाए, तो क्या वो सदा रहेगा, क्या उसका परिवर्तन नहीं होगा, टूटेगा। ज्यादा उम्र रह गई अपनी तो अपने सामने ही टूटेगा, अपने चेले ही तोड़ेंगे, होते ही सब तोड़ेंगे। परिवर्तन स्वभाव है प्रकृति का। अब बिल्कुल क्षीण, जिस दिन कोई चीज बनती है
उसी दिन टूटने, क्योंकि सबका मन अलग अलग है। जो वस्तु आज हमको भा रही है, जो डिजाइन आज हमको भा रही है, कि जो नक्शे आज हमको भा रहे हैं, 50 साल के बाद क्या ये सब ये हमको नक्शे भाते रहेंगे? सब डिजाइनें बदल जाएंगे। फिर वो आएगा तो व्यक्ति सोचेगा कि मेरे मन का हो, मेरे मन का हो। तो कर्म करते समय भी यह बात ध्यान रखे कि इसमें भी दुख ही है। यदि दुख बुद्धि नहीं होगी तो कर्माशक्ति हो जाएगी, फलाशक्ति की तो बात छोड़ दो, और कर्माशक्ति भी हुई तो उसके किए बगैर रहेगा नहीं व्यक्ति। उसको चाहिए, फिर कहेंगे कि अभ्यास है पूर्व का, और पूर्व के अभ्यास के आधार पर शरीर चल रहा है, जैसा पहले का अभ्यास था उसके आधार पर चल रहा है, आदि आदि हम कहेंगे। किंतु वह मोक्ष के लिए निश्चित रूप से बाधक ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो न्यासीनाम इह कर्मसु। तो जो कर्म से और कर्म के फल से वैराग्यशाली है, वैराग्यशाली माने उसमें दुख बुद्धि है, सुख बुद्धि नहीं है, उसको पता है कि कर्म करते समय भी दुख है और फल प्राप्त करते समय भी दुख है, दोनों में दुख बुद्धि। ये नहीं कि अभी कर्म करते समय कोई दिक्कत नहीं है, इस समय भी दुख है। और जैसे ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान योग का अधिकारी है। तो अब देखो भाई, बढ़ना तो हम सबको ज्ञान योग तक ही है। ऐसा नहीं कि हमको कर्म योग में रुक जाना या भक्ति योग में रुक जाना है, लक्ष्य सबका ज्ञान ही है। क्योंकि हृते ज्ञानान्न मुक्ति, पहुंचना ज्ञान तक है। तो यदि मानो अभी हमको एक कर्म से कर्मफल से वैराग्य नहीं है तो हमको करना क्या है? बोले तेसु निर्विण्णा चित्तानाम कर्मयोगस्तु कामिनाम। अभी यदि हमें नहीं है कर्म से, तो आप कर्म योग करो, कर्म नहीं, कर्म योग करो। आप कहोगे कर्म और कर्म योग में फल क्या, फर्क क्या है? कर्म होगा कुछ प्राप्त करने के लिए, और ये कर्म योग होगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसमें कामना शून्यता होगी। अब ये कर्म योग करना कैसे है, कौन सा कर्म? अब कहेंगे जो भी चाहो सो करो, कर्म योग हो गया। अब जो चाहो, कर्म योग का अभिप्राय ये नहीं कि जो चाहो सो हो गया, आपका स्वधर्म होगा निश्चित रूप से। स्वधर्म, आप ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थ हैं, आप वानप्रस्थ हैं, आप सन्यासी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप जिसको अपने को जो मानते हो उसके आधार पर जो कर्म है वो कर्म, और उस कर्म का भी फल चाहे बगैर कर्म, ये विधि जो उसके लिए विधि है, उस विधि का, इसके लिए विधि निषेध का वर्णन है, उसको तो निश्चित रूप से अभी वैराग्य नहीं है। तो विधि पूर्वक ही कर्म करने की बात कही गई है। हमारे भगवान बड़े क्रम से इसकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे श्लोक। ये अध्याय तो बहुत अच्छा अद्भुत है। मैं इसको आज करीब 20 श्लोक इसके देख रहा था टीका सहित, हमने कहा बड़ा दिव्य वर्णन किया गया है, और ऐसा लगता है कि इस पर तो दृष्टि कभी गई नहीं है। पहली बार मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, जब देखने बैठता हूँ तो लगता है इतने दिन से भागवत कर रहे हैं तो भागवत कर क्या रहे हैं। हमारी तो दृष्टि पहली बार इन भावों पर पड़ रही है, इस श्लोकों पर पड़ रही है। तो निश्चित रूप से एक एक श्लोक का चिंतन करने से ही, और श्रीधर स्वामी पाद का अनुशीलन करते हुए, महर्षि के अनुशीलन से जो अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, उन अर्थों को मैं स्वयं जीने का प्रयास करूँगा, और उन्हीं विषयों को महर्षि के चरणों में निवेदित करूँगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।